मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के बंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रज क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा है। इस क्षेत्र ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी देश को संभाले रखा, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो जो महत्व इस पवित्र तीर्थ को मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं हुआ। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रज भूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृत काल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। हमने लाल किले से पंच प्राणों का संकल्प लिया है। हम अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी में विश्वनाथ धाम भव्य रूप में हमारे सामने है। आज उज्जैन के महाकाल महालोक में दिव्यता के साथ साथ भव्यता के दर्शन हो रहे हैं। आज केदार घाटी में केदार राज्य के दर्शन करके लाखों लोग धन्य हो रहे हैं। और अब तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लोकार्पण की तिथि भी आ गई है। मथुरा और ब्रज भी विकास की इसकी दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें।